खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी और मार्च में पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। तो बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। प्री प्राइमरी का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कोशिश है कि शुरू से ही बच्चों को सभी विषय पढ़ाए जाएँ। मार्च में बोर्ड का कैलेंडर जारी होता है, उसी समय प्री प्राइमरी कक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएँ शुरू होंगी। इसकी तैयारी हो गई है, पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, मार्च में इसका पूरा शेड्यूल जारी होगा। दरअसल मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है। यहाँ के बच्चे विज्ञान गणित जैसे विषय पढ़ें और शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। यह कारण है कि मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की गई है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के पीछे भी सरकार की मंशा यही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रतिस्पर्धा में आगे रहें और इसी सोच के तहत प्री प्राइमरी कक्षाएँ चलाने तैयारी हो रही है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। आगामी सत्र यानी 2023-24 में मदरसों के अंदर भी स्कूलों की तरह प्री प्राइमरी कक्षाएं LKG UKG शुरू करने जा रहे हैं। मदरसे के बच्चा किसी से कमतर ना रहे, इसकी पूरी तैयारी हम सब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब मार्च में हम अपने पूरे मदरसों का सिलेबस जारी करेंगे, उसमें नर्सरी LKG UKG भी शामिल होगा और उसके लिए भी हम सब सिलेबस बनाने काम कर रहे हैं। मदरसे का बच्चा 1 से NCERT किताबें पढ़ेगा, इसके लिए उसकी पहले तैयारी ठीक से हो सके। आजकल बच्चे छोटे उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, वैसे मदरसों में भी लगातार लोगों की ये ख्वाहिशें हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके लिए भी कक्षाएं संचालित करने का हमें मौका मिले।